It is not what you look at that matters, it's what you see. Today is 24th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions ke answers hain. Equal protection of law provided hai Article 14 mein. Scheduled tribe article jo president ko empower karta hai to declare a new group as scheduled tribe, wo article hai Article 342. मिस्टर के सी वेरे ने डिस्क्राइब किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वाजी फेडरल. आर्टिकल 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी और आर्टिकल 19(1)(a) में है फ्रीडम फॉर मीडिया. आज के सवाल हैं, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व्ड. इन विच स्टेट इज द बस्तर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. इन विच स्टेट इज द दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड. ट्रीटी ऑफ सेरंगापट्टनम वॉज साइंड आफ्टर विच Anglo-Mysore War. Who founded the Servants of India Society? So these are five questions for today. आज की vocabulary है adage, मतलब कहावत. A proverb or short statement expressing a general truth. Axiom. Despotism का मतलब होता है तानाशाही, tyranny, dictatorship, totalitarianism. Loquacious का मतलब होता है बातुनी, tending to talk a great deal or talkative. Frenetic का मतलब होता है उन्मत्त, fast and energetic in a rather wild and uncontrolled way. Adduced मतलब प्रस्तुत करना, cite as evidence. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये आज के दो सवाल हैं, इस पे हमें answer writing करना है. See, answer writing is very easy. Go to this website, srajanindia.one. जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो ये पेज ओपन होगा. अब जैसे हमें 21st ऑफ जनवरी का देखते हैं, तो इफ़ यू ओपन दिस 21st ऑफ जनवरी, तो दिस पेज विल गेट ओपन और यहाँ डिस्कस इनेबल्ड है. आप लॉगिन कर सकते हो यहाँ पे अपनी सोशल मीडिया आईडी से एंड देन यू कैन जस्ट सबमिट योर आंसर. सबमिट योर आंसर, ज्वाइन द डिस्कशन. आप आंसर लिखो A4 साइज की कॉपी में पेन एंड पेपर से, उसका एक फोटोग्राफ क्लिक करो. एडोबी स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, देन उसको आप यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कर दो तो ये आपका आंसर सबमिट हो जाएगा वेबसाइट पे. साइमल्टेनियसली आप इस आंसर को मुझे ईमेल भी कर सकते हो और ईमेल एड्रेस है और व्हाट्सएप है, दिस इज़ द एड्रेस. ओके, सो डू दिस, राइट समथिंग एवरी डे. इससे बहुत ग्रेजुअल और सिग्निफिकेंट, ग्रेजुअली सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होता है. ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है और इस एग्जाम में यही चीज़ रिक्वायर्ड है. सिंपल सिंपल चीज़ें, नो फैंसी थिंग्स, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. सिंपल पेन एंड पेपर में राइट समथिंग एवरी डे. इससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स नज़र आएंगे. ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू दिस डिस्कशन. दिस इज मंडे जनवरी 24th, द हिंदू. फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है ओमिक्रॉन इन कम्युनिटी ट्रांसमिशन. ये बात कहा है दिस इंसा कॉग ने. मोस्ट केसेस माइल्ड हैं बट हैव हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रहा है और आईसीयू में भी केसेस अप हो रहे हैं. तो ओमिक्रॉन कोविड को सिंपल फ्लू कोल्ड नहीं लेना है. यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल होना चाहिए, गार्ड्स डाउन नहीं करने. तो ओमिक्रॉन कम्युनिटी ट्रांसमिशन पे है. कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है आपको इन्फेक्शन हो गया एंड यू जस्ट डोंट नो कि किसके कांटेक्ट में आए, कहाँ से इन्फेक्शन हुआ, लाइक दैट. सो दैट स्टेज इज कॉल्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन. तो ओमिक्रॉन वेरिएंट डोमिनेंट है सार्स कोव टू जेनोमिक कंसोर्टियम. इसने इस बात का डिक्लेरेशन किया, अनाउंसमेंट किया. एंड वॉट इज दिस? सो दिस इज जॉइंटली इनिशिएटेड. इंसा कॉग जॉइंटली इनिशिएटेड है यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एक कॉन्सोर्टियम है 38 लेबोरेटोरीज का ऑल ओवर इंडिया. ये तीनों मिलके मॉनिटर करते हैं जीनोमिक वेरिएशन ऑफ सार्स कोव टू. बिकॉज सार्स कोव टू इज़ अ वायरस, वायरस म्यूटेट करता है बिकॉज उसमें लिविंग टेंडेंसी भी होती है और डेड भी है. लिविंग टेंडेंसी होने के कारण इसका वर्जन्स बदलते हैं. तो इसी तरीके से डिफरेंट वेरिएंट्स आए, जैसे अल्फा आया, बीटा आया, लाइक दैट. अभी जो वेरिएंट कंसर्न है वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट. जो सेकंड वेव आई थी लास्ट ईयर वो थी डेल्टा वेरिएंट की. सो दिस इज ओमिक्रॉन. तो ये जो लैब है ये जेनोमिक वेरिएशंस जो होती है टेस्ट होते रहते हैं कि कोई नया वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है या उसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं,
तो दे ट्राई टू मॉनिटर दीज वेरियंट्स। अभी एक नया एक और वेरिएंट आ रहा है B1.640.2। लेट अस नॉट अभी इसमें पैनिक वगैरह नहीं करना है, देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज BA.2 लाइनेज, डिफरेंट वेरिएशंस हैं ओरिजिनल कोविड वायरस के। सो दिस इज देयर, तो इस लैब का नाम याद रखना है, इस लैब में कौन से तीन ये एसोसिएटेड हैं, दैट्स ऑल। अब जो केसेज हैं वो ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, 3 लाख केसेज आए हैं संडे को। नाउ दिस इज बॉय फ्रॉम अरुणाचल फाउंड PLA। एक जो हमारा अरुणाचल है यहाँ पे अक्सर हम ट्रांसग्रेशन देखते हैं बाय दिस पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। तो एक इस टाइप का अभी यहाँ पे केस आया कि 17-year-old बॉय था, इसको एबडक्ट किया था PLA ने। इंडिया ने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो ऑफिशियल एक्शंस हैं वो लिए एंड देन यहाँ पे ये अभी न्यूज़ है। ओके सो दिस इज देयर, सीनियर आर्मी ऑफिसर ने ये बताया। अब दिस इज इन द स्पॉटलाइट, ये जो है ये स्टैंडिंग टॉल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। आपका एक होलोग्राम अनवील हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के पास। 23rd of January जो है वो नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी है, तो 23rd January को मनाया जाएगा पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑन संडे। सो दिस इज इन द स्पॉटलाइट। ये जर्मन नेवी के चीफ हैं, इनका एक रिमार्क आया था कि जो रशिया है, रशिया और जो US लेड नाटो ग्रुप है, अननेसेसरी दोनों को कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए बिकॉज देर इज़ अनादर थ्रेट, दैट इज़ चाइना। तो नाटो USA को रशिया की हेल्प चाहिए होगी जब चाइना का थ्रेट इमर्ज होगा। सो रशिया एंड नाटो एंड दिस USA ग्रुप को यूक्रेन क्राइसिस में अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए, ये एक मैसेज था। इस मैसेज से काफ़ी रिपरकशंस भी हुए और इन्होंने वाइस एडमिरल ने अभी इस बात पे रेजिग्नेशन दिया है क्योंकि यूक्रेन में रशिया जो है, हमने रिमलैंड थ्योरी कल परसों ही देखा था, हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी, तो रशिया इनसिक्योर फील करता है बिकॉज US लेड नाटो ग्रुप का एक्सपेंशन हो रहा है रशिया के बैकयार्ड पे। बैकयार्ड जैसे ये रिमलैंड कंट्रीज़ हैं जो एडजॉइनिंग पेरिफेरल कंट्रीज़ हैं रशिया की, जैसे कि यूक्रेन अगर नाटो में मिल जाता है तो रशिया का जो बैकयार्ड है ब्लैक सी, वहाँ रशिया को डिफ़िकल्टी आएगी, रशिया इनसिक्योर फील करेगा बिकॉज और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो पुराने USSR में थी वो मिल गई हैं नाटो से। तो कोल्ड वॉर के टाइम से, 1945 के टाइम से ये एक टसल चला है कैपिटलिस्टिक कंट्री एंड सोशलिस्ट कंट्री में जिनका लीडर रशिया था। 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ बट इस कोल्ड वॉर इरा के रेलिक्स अभी भी देखने को मिलते हैं, पावर स्ट्रगल होता है और व्लादिमीर पुतिन के टाइम पे रशिया का रिसर्जेंस हो रहा है, रशिया इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड दिस US लेड नाटो ग्रुप में इंटरनल फैक्शंस भी हो रहे हैं और USA भी अब पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। और तीसरा थ्रेट यहाँ पे जो नया आ रहा है वो है चाइना। चाइना बहुत डोमिनेट करने लग गया है, राइजिंग पावर है। चाइना ने पहले डेंग ज़ियाओपिंग के टाइम की डॉक्ट्राइन में इकोनॉमिक सुपर पावर बना, अभी शी जिनपिंग की डॉक्ट्राइन पे चाइना बनना चाहता है मिलिट्री पावर। सो देयर कुड बी अ पॉसिबल कन्फ्रंटेशन इन फ्यूचर दिस US लेड ग्रुप का चाइना के साथ। तो जर्मनी ने ये कहा कि रशिया की यहाँ पे बड़ी हेल्प चाहिए होगी, ऐसा नहीं हो कि हम रशिया के साथ अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन करें और रशिया और चाइना का यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी है वो बढ़ जाए, तो वो एक अनदर थ्रेट हो सकता है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में। दीज आर द अंडरकरेंट्स। ओनली इंडियन ट्यून्स एट बीटिंग द रिट्रीट। अब जैसे रिपब्लिक डे परेड हुआ, रिपब्लिक डे परेड में हमारी जो फौज होती है वो बैरक से बाहर निकलती है और इस टाइप के सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस वहाँ पे होते हैं, परेड होती है लाइक दैट। इसके बाद जब अभी 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड हो जाएगा, इसके बाद बीटिंग रिट्रीट होती है। बेसिकली ये म्यूजिकल सेरेमनी है, मैंने इसको देखा है, बड़ा ऑसम रहता है ये पूरा। तो यहाँ क्या होता है कि डिफरेंट बैंड्स होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के, म्यूजिकल सेरेमनीज़ वगैरह होती है और फिर इसके बाद, इस इवेंट के बाद फौज वापस अपने बैरक में चली जाती है। तो इसको बोला जाता है बीटिंग द रिट्रीट। प्रेसिडेंट साहब होते हैं और उनके सामने ऐसा पूरा दिस एक बहुत अच्छा म्यूजिकल शो होता है। तो अभी ये बात है कि 75th year ऑफ इंडिपेंडेंस भी है, तो बीटिंग द रिट्रीट में जो म्यूज़िक होगा, जो सॉन्ग्स होंगे, उसमें इंडियन सॉन्ग्स ज़्यादा होने चाहिए, जैसे ए मेरे वतन के लोगो लाइक दैट, इस बात पे ये मुद्दा है। तो दिस इज़ बीटिंग रिट्रीट। अब ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, एलिफेंट कॉरिडोर्स। अब जैसे ये एलिफेंट है,
एलिफेंट को क्या मतलब, यहाँ पे आपने एक रोड बना दिया, उसका हैबिटेट H1 ये था, दूसरा हैबिटेट H2 था। एलिफेंट को एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए रोम करने के लिए, घूमने के लिए। आपने उसकी कॉरिडोर में फ्रेगमेंटेशन कर दिए, इसको बोला जाता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, H1, H2। अब एलिफेंट को H1 टू H2 जाना है, रोड क्रॉस करना पड़ेगा या कभी रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई ट्रक आ रहा है या ट्रेन आ रहा है तो हो जाता है एक्सीडेंट्स। सो ये जो बात है, इससे होता है एलिफेंट और ह्यूमन बींग के बीच में कन्फ्रंटेशन, विच इज़ नॉट राइट। क्योंकि अगर इसमें एलिफेंट का लाइफ जाएगा तो भी हमारा नुकसान है, ह्यूमन का लाइफ जाएगा तो भी हमारा नुकसान है। सो दैट इज़ वाई दी आइडिया इज, इस कन्फ्रंटेशन को स्टॉप करना ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है। सी, ह्यूमन का लाइफ जाए या एनिमल का लाइफ जाए, दिस इज़ अवर लॉस। फ्रेगमेंटेटेड एंड पैची फॉरेस्ट है साउथ बंगाल में, ये हॉटस्पॉट बन गया, मतलब बहुत सारे केसेस आ रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के। लॉस ऑफ लाइव्स हो रहा है बोथ ह्यूमंस एंड पैचीडर्म। पैचीडर्म मतलब इसकी जो स्किन होती है ऐसा, दैट इज पैचीडर्म। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, नंबर्स आर नॉट गुड, इतने 2021 में केसेस आए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, एलिफेंट का घर है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। सो दिस इज देयर। अब आइडिया क्या होता है? आइडिया ये होता है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएं तो उसमें नेचुरल कॉरिडोर्स बनाएं। जैसे अभी हमने पेंच का एग्जांपल देखा था, एलिवेटेड रोड निकाल दिया, नीचे से टाइगर आराम से घूम रहा है। तो वी नीड सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेटिव सॉल्यूशन, सो दैट ये कॉरिडोर्स में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बंद हो। जैसे रेलवे लाइन चल रही है, यहाँ पे आपने हनी बी टाइप ऐसा साउंड कर दिया, एलिफेंट्स को डर लगता है हनी बी से तो वो वहाँ जाएंगे नहीं, सच टाइप ऑफ थिंग। इलेक्ट्रिक फेंसेस की कई बार बातें होती है, वी नीड सॉल्यूशन। अब डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ वन थिंग। अभी कुछ ही दिन पहले हमने फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भी देखा, फॉरेस्ट जो है ना इसका क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रहा है, दिस इज़ अ फैक्ट। तो और नेचर भी चेंज हो रहा है। तो अब जैसे हमने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया, कांपा का फंड भी होता है, हमने एक बहुत बायोडाइवर्स फॉरेस्ट था और वहाँ हमने प्लांटेशन के नाम पे केवल टीक लगा दिया, तो कहने को तो वो फॉरेस्ट वापस बन गया, बट वो फॉरेस्ट का जो नेचर है वो हमेशा के लिए चेंज हो गया। दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो द पॉइंट इज़, जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ना, ये चीज़ें जो हैं ये कमर्शली वायबल हो सकती है, बट बायोडाइवर्सिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। हम मोनोकल्चर प्रमोट कर रहे हैं और एलिफेंट्स और दूसरे एनिमल्स का बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली ऑल्टर हो रहा है, तो दैट इज़ वाई जो कॉन्फ्लिक्ट है दिस इज़ ऑन राइज। जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं इकोलॉजिस्ट, उन्होंने भी बताया को एग्जिस्टेंस दिस यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉलो करना चाहिए, ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स का को एग्जिस्टेंस। तो जो हर्ड्स हैं, एनिमल एक्चुअली काफ़ी सोशल एनिमल होता है, हर्ड्स में रहता है, मतलब ग्रुप में रहता है एलिफेंट्स का, तो इनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये नेक्स्ट है, वेटेस्ट जनवरी ऑन रिकॉर्ड सिंस 1901। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी हमने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, यू हैव टू बी रेगुलर। आई गिव यू सो मैनी होमवर्क, सो मच ऑफ होमवर्क क्वेश्चंस, सो दैट इससे एंगेजमेंट बना रहे। आप अपने तरफ से भी कुछ एफर्ट्स डालोगे ना तो आपका लर्निंग आउटकम बेटर होगा, ये अभी आगे आर्टिकल में देखते हैं। तो वेटेस्ट जनवरी जैसे हमने अभी पढ़ लिया, दिस व्हाट वी रेड, दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो इसके कारण नॉर्दर्न इंडिया में इस टाइप का बारिश होता है, IMD ने भी बताया। बट बारिश में भी, जैसे मानसून में पढ़ा था हमने, बारिश में प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्पेटियल और टेम्पोरल वेरिएशन हो रहा है, कहीं बहुत बारिश होती है तो कहीं बारिश नहीं होती, किसी महीने बहुत बारिश हो जाती है तो फिर मंथ सूखा पड़ जाता है, दिस वेरिएशन इज हैपनिंग। देन नो एंट्री जोन है फॉर कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स दिस। अब जैसे ये सवाल है एजुकेशन प्लस में, रीथिंकिंग ऑनलाइन एजुकेशन। पिछले कुछ टाइम पे एक बहुत सारे लोग हैं ना जो अभी ऑनलाइन आए हैं, डिजिटल आए हैं, एक तो नई जनरेशन आई है और दूसरा इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ, तो रूरल रिमोट इन एरिया से बहुत सारे नए लोगों का इंटरनेट पे एक्सपोजर हुआ है। सो ऑनलाइन एजुकेशन एक बजवर्ड बन गया है। अब क्या होता है, ऑनलाइन जो एजुकेशन है ना इसमें लाइक ये कंटेंट हैवी है, देर इज़ सो मच ऑफ कंटेंट, एंड कंटेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि यू आर डीलिंग इन विद द करेंसी ऑफ टाइम, यू कैन नॉट जस्ट लाइक बिंज कि हम सारा कंटेंट देख रहे हैं। ये ऐसा टेंडेंसी होता है, स्टूडेंट्स का भी टेंडेंसी होता है कि दे स्टार्ट लाइकिंग एवरीथिंग, कि दिस इज़ ऑल्सो रेलिवेंट टू एग्जाम, दिस विल ऑल्सो हेल्प। बट फिर प्रॉब्लम क्या आती है,
प्रॉब्लम वही आती है जो वो राजा वाली स्टोरी है। राजा को बोला जाता है जितना आगे जाओगे लैंड आपकी। स्टूडेंट को भी लगता है ये किताब भी अच्छी है, ये कंटेंट भी अच्छी है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो हमारे काम आएगा। प्रॉब्लम क्या आती है, इस राजा के साथ कंडीशन रहती है वापस आपको सनसेट के टाइम तक ओरिजिन पे आना है। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वापस एग्ज़ाम लिखने से पहले इस पूरे कंटेंट का आपको कंसोलिडेशन करना है। तो अगर कंसोलिडेशन आपने नहीं किया तो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। दैट इज़ वाई ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत फैंसी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जीरो यूटिलिटी होती है। स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो, 10 बार पढ़ो, लिख लिख के, बोल बोल के, समझ समझ के पढ़ो, कंसोलिडेट करो। इससे आपकी आईसाइट भी ठीक होगी। टू मच ऑफ इंटरनेट और टू मच ऑफ स्क्रीन एक्सपोजर इज़ अगेन नॉट गुड, डॉक्टर्स बताते हैं। सो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज़ लाइक ये एडिशनल हो सकता है, ये एक सप्लीमेंट हो सकता है। बट जो बेसिक्स हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ओल्ड स्कूल जो इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, उसको जस्ट लाइक दैट रिप्लेस नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है वो रीडिज़ाइन करे लर्निंग एक्सपीरियंस को। अब जैसे इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इतना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स हो रहे हैं, जो विजुअल्स हैं वो बेटर हो जाते हैं, तो समझ ज़्यादा आता है, तो दिस इज़ गुड। कॉग्निटिव रिसर्च यहाँ पे हो, बट हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें जस्ट रिप्लेस करना है ऑफलाइन को। और यहाँ पर भी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बच्चों में भी देख रहे हैं, एक तो ऑनलाइन टैबलेट के सामने कंप्यूटर में देख रहे हैं, तो वो जो स्कूल पीयर लर्निंग है वो नहीं हो पा रही। कॉग्निटिव रिटेंशन जो होता है टू मच ऑफ ऑनलाइन से वो नहीं होता। एक स्टडी भी आई थी, टू मच ऑफ स्क्रीन से आप जो पढ़ रहे हो ना वो याद नहीं रहेगा ज़्यादा। सो रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी हमारा रेगुलर फॉर्मेट में ही होगा। एग्ज़ाम तो डिजिटल फॉर्मेट में है नहीं, वहाँ आपको आंसर लिखने ही पड़ेंगे पेन पेपर में, तो यू विल हैव डिफ़िकल्टी। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन किया है मेन एग्ज़ाम लिखते वक्त कि लिख ही नहीं पा रहे थे वो जल्दी जल्दी। वाई? बिकॉज हैबिट छूट गया है लिखने का। तो दिस इज़ देयर। तो अब हमें जो यहाँ पर है वो ये भी है, ओवर्ट कमर्शलाइजेशन इज़ अगेन नॉट गुड। ऐसा नहीं हो कि जो टीचर्स हैं आज के ज़माने में वो केवल इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड कर रहे हैं, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हो रही है टू मोटिवेट चिल्ड्रन। एक और चीज़ है यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन में, यू नो, हर चिल्ड्रन, हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि एक स्टूडेंट ए है, ये जो स्टूडेंट है ये स्कूल टाइम पे बड़ा ब्राइट स्टूडेंट रहा, कॉलेज टाइम पे बड़ा ब्राइट रहा, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, राइटिंग स्किल्स इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छी कमांड है। देन ये जो स्टूडेंट है इसका जैसे ऑप्शनल है, वो भी ग्रेजुएशन का ही ऑप्शनल है। देर आर सो मेनी थिंग्स जो फेवर में है इस स्टूडेंट के, राइटिंग स्किल्स, ऑप्शनल, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग, क्योंकि उसको एक्सपोजर मिला है शुरू से। अब ये स्टूडेंट आता है, 2-3-4-6 महीने पढ़ाई करता है, इसका सिलेक्शन हो जाता है। अब हम ऐसा नैरेटिव बना देते हैं कि कोई भी आएगा 6 महीने पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ होता है ना, इसको बोला जाता है फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना, आई बॉल्स कैच करने के लिए। रियलिटी ऐसी होगी नहीं। 99.99 स्टूडेंट्स के साथ ये एडेड एडवांटेज नहीं होगा, और फिर वो ये फिलॉसफी, ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे एंड दे विल गेट डिसअपॉइंटेड। स्टूडेंट फिर डिप्रेशन में आ जाता है, बिटर हो जाता है, रॉन्ग माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। तो वी आर प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ स्टूडेंट्स, विच वी शुड अवॉइड। एजुकेशन में ये करने की ज़रूरत है। और दूसरा तरीका ये होता कि स्टूडेंट की जो वीकनेसेस है उसको देखो, स्ट्रेंथ है उसको देखो, और उसको टेलर मेड सॉल्यूशन को कि देखो आपकी ये वीकनेस है, इस पर आप काम करो। अननेसेसरी फॉल्स होप एंड प्रोमिसेस अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। द पॉइंट इज़, अगर हम सिस्टमेटिकली ऐसे वीकनेस पे वर्क करें, स्ट्रेंथ को डेवलप करें हर स्टूडेंट का, तो वो स्टूडेंट बहुत बेटर परफॉर्म कर सकता है इन जनरल, एवरी सिंगल स्टूडेंट। तो टीचर्स को ना ये करने की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय पाइप्ड ड्रीम दिखाने का। देन स्पायरलिंग करिकुलम होता है। अब करिकुलम भी ऐसा हो वो टाइम टू टाइम अपडेट हो, लर्निंग मॉडल बेटर हो। लर्निंग मॉडल वो अच्छा होता है जहाँ स्टूडेंट को भी कुछ एक डायरेक्शन दिखा के उसको बोले कि अब सोचो, थिंक, इसमें कैसे काम करना है। जैसा हम आंसर राइटिंग में करते हैं कि एक प्रश्न दिया है, नाउ थिंक, इसको लिखो, सोचो, दूसरों के आंसर देखो। यू विल गेन मच मच मोर इस छोटी छोटी एक्सरसाइज से। दिस शुड बी द वे कि पढ़ाया ऐसे जाना चाहिए, टीचिंग टू लर्न। तो यहाँ पर यही बात है कि जो टेक्नोलॉजी है अभी एजुकेशन में, वैसे भी बड़ा चर्न चल रहा है इस सेक्टर में, वी नीड टू इवॉल्व, रीथिंक करने की ज़रूरत है ऑनलाइन एजुकेशन को। अ क्वेश्चन ऑफ फोकस, फिर दिस इज पेज नंबर 4। अब सी वाइट वॉश, ये क्या है? ये हैवी स्नोफॉल हो रहा है शिमला में, हैवी स्नोफॉल।
गुजरात टू डिपिक्ट ब्रिटिश दिस ट्राइबल. एक्चुअली क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स भी क्या करते थे, एनक्रोचमेंट करते थे ट्राइबल लैंड पे, ट्राइबल फॉरेस्ट पे. फॉरेस्ट रिसोर्सेज उन्होंने नेशनलाइज कर दिए और जो ट्राइबल्स थे ये डिपेंडेंट थे फॉर देयर इकोनॉमी सर्वाइवल ऑन फॉरेस्ट. सो दैट इज़ वाई जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं वो हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऑफ एनक्रोचमेंट इन देयर लैंड. तो एक टैबलू भी अभी होगा जो हाईलाइट करेगा 1922 इंसिडेंट जहां पे ब्रिटिशर्स ने एट्रोसिटीज़ की थी ट्राइबल्स पे. ये वर्स थी इवन देन जलियांवाला बाग. तो हम यहां पे दिस याद करेंगे, ट्राइबल राइट्स एंड दिस सेफगार्ड करना. देन दिस इज़ शो टाइम, अ मैन प्लेज विद अ मका ड्यूरिंग अ बर्ड शो इन कोलकाता. Then 24 monkeys found dead close to highway near Tiruchi in Tamil Nadu. तो ये bodies यहाँ पे find हुआ है, shocking accident है. Poisoning भी है यहाँ पे, early news है. Let us see postmortem का यहाँ पे details आएगा. This is there. अब जैसे क्या होता है, अक्सर हम लोग ना पता नहीं होता है, aware नहीं होते हैं, तो हम uneducated type act करते हैं. Social media में या फिर ऐसी चीज़ें unnecessary glorify की जाती है जो कि गलत है. क्या गलत है, कभी भी आप फॉरेस्ट में जाओ तो वाइल्ड एनिमल्स को कभी भी फीड नहीं करना चाहिए. आप उनकी हैबिट्स ख़राब कर रहे हो. जैसे ये चीज़ दिखाई जाती है कि लाइक मंकीज़ वगैरह को आप बनानाज, अक्सर टूरिस्ट ऐसा करते हैं विच इज़ रॉन्ग. आप उनकी हैबिट्स ख़राब कर रहे हो. आपकी इंटेंशन अच्छी थी, आपने उन्हें बनाना फूड दे दिया, उनका ट्रस्ट गेन कर लिया. अब नेक्स्ट टाइम जो पोचर आएगा तो इस मंकी को कैसे पता लगेगा ये पोचर है या फिर ये मुझे फीड करने आया है, तो वो पोचर पे भी ट्रस्ट करने लग जाता है और इस टाइप के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. जैसे कि दिस पॉसिबली अगर ऐसा हुआ है तो प्रॉब्लम ये है कि वाइल्ड एनिमल को फीड नहीं करना चाहिए, दिस इज़ अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉज. देन इलेक्शन कमीशन है, नो योर कैंडिडेट, दिस इज़ इलेक्टोरस, इलेक्टर्स कैन व्यू Following information on mobile app. This is good. Know your candidate. आप उसको वोट डाल रहे हो तो आपको पूरा अधिकार है उसके बारे में जानने का. Know your candidate. उसका क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या उसकी पॉलिसीज़ हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, लाइक दैट. थर्ड वेव केरला में आ रही है, पीक चल रहा है इसका. देन दिस इज़ डेस्टिनेशन गेट क्लोजर बूस्ट फॉर दिस टूरिज़म. तो ये एरोड्रोम है और यहाँ पर टूरिस्ट इनिशिएटिव्स हैं. नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी 125th बर्थ एनिवर्सरी और 75वां साल आज़ादी का, अमृत महोत्सव. दिस इज़ फॉल्स डायकटमी, ये है कोटास जो हैं. कोटास जो होते हैं वो इंश्योर करें इक्वल अपॉर्चुनिटी. कुछ ही दिन पहले हमने सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट देखा था, ओबीसी कोटा को उसने वैलिडेट किया, वैलिड है वो. उससे रिलेटेड ये भी बताया कि रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है. रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है कि जस्ट इक्वालिटी से जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं वो करेक्ट नहीं होंगे. जो रॉन्ग्स जो हैं वो हमें करेक्ट करने हैं तो हमें इक्विटी चाहिए होगी. इक्विटी मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हेल्प प्रोवाइड की जाए. तो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प रिक्वायर्ड है, तो कोटास को उसने वैलिड किया. बट एट द सेम टाइम मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन की डिबेट आ जाती है. जो मेरिटोक्रेसी है उसको भी हमें साइडलाइन नहीं करना चाहिए. तो द पॉइंट इज़ कि ये चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी और उस बेनिफिशियरी तक एक्यूरेट, उस बेनिफिशियरी तक फेथफुली वो बेनिफिट्स डिलीवर कराना भी ज़रूरी है. तो ये जो बात है ऑल इंडिया कोटा जो ओबीसी में कहा था उस दिन, हैव अ लुक नोट्स, आई विल रीस्टार्ट बिकॉज उससे क्या होता है रिविज़न ईजी हो जाता है. तो उसमें ही बड़े अच्छे लाइंस लिखे थे कि क्यों ज़रूरी है इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो करना. तो दिस इज़ देयर. मेरिट जो है मेरिट को भी हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, इवेड नहीं करना चाहिए स्ट्रक्चरल बैरियर. तो ये रेगुलर टॉक्स हैं कि जो हिस्टोरिकल और जो स्ट्रक्चर्ड वे में बैकवर्डनेस है उसको दूर करना गवर्नमेंट की पॉलिसी कंटिन्यू होना चाहिए और मेरिटोक्रेसी भी एट द सेम टाइम इंश्योर कराना ज़रूरी है. अ स्टेलर फैलेसी, ये एनवायरनमेंट कॉस्ट है, बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट शुड नॉट बी डन इन हेस्ट. ये अब क्या न्यूज़ है, अभी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि हम रेटिंग्स देंगे राज्यों को कि एनवायरनमेंट रिलेटेड जो क्लियरेंस होता है, डेवलपमेंट क्लियरेंस होता है, उसमें कितना जल्दी क्लियरेंस मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है, बिजनेस करना है या फिर उसका क्लियरेंस है या फिर रोड्स बनाना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो स्टेट्स हैं वो कितना बेटर करें, ऐसे करके एक रैंकिंग बनाएगी एनवायरमेंटल क्राइटेरिया पे. इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है. EIA क्या होता है, EIA मतलब जैसे आपने एक इंडस्ट्री प्लांट लगाया तो उस प्लांट का उसके आसपास के एनवायरमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा, वहाँ की सोसाइटी पे, वहाँ के एनवायरमेंट पे, वहाँ के रिजर्व्स में, दिस इज़ कॉल्ड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट.
ये प्री स्टडी होता है, प्लांट लगाने से पहले ये असेसमेंट करना ज़रूरी है, सो दैट हम कॉस्ट फाइंड कर पाएँ कि एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जैसी चीज़ें नेसेसरी होती है ताकि हम इकोलॉजिकल कॉस्ट कर पाएँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। फिर स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होती है, तो स्टेट लेवल पे जो भी प्रोजेक्ट बनाना है जैसे बिल्डिंग हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, माइनिंग हुआ, है ना, तो ये हम एनवायरमेंट कॉस्ट इसकी कंसिडर करें। अब एक रेटिंग सिस्टम आया जिसमें रैंक्स दिया है, इंसेंटिवाइज भी करेगा, जो स्टेट जल्दी जल्दी दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी, ईजिली क्लियरेंस मिल रहा है, उसकी रैंकिंग ऊपर होगी, वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो प्रॉब्लम इज इस टाइप की जो रेटिंग है ये एक अननेसेसरी एक कल्चर स्टार्ट कर देगा जिसमें स्टेट्स के बीच में रेस लग जाएगी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एंड ऑल कवर करने के लिए, बट वो इस रेस में जो एनवायरमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट है उसको इग्नोर करना चालू कर देंगे। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इसी बात का यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ है कि हैसन नहीं होना चाहिए क्लियरेंस, कि जस्ट फॉर रेटिंग पर्पस हम जो बेसिक्स हैं एनवायरमेंट के उसको इग्नोर करने लग जाए। क्विकर डिसीजन मेकिंग से बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा, बट इस टाइप का कॉम्पिटिशन वेन इट कम्स टू एनवायरमेंट क्लियरेंस हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके ज़्यादा है। तो इस एडिटोरियल में इसी चीज़ को बताया है। आगे हम एक एनवायरमेंट सर्विस से रिलेटेड आर्टिकल भी देखते हैं। अ चांस टू सपोर्ट ग्रोथ फिजिकल कंसोलिडेशन, यहाँ जो बात है वो अगेन रेगुलर टॉक्स है, नंबर डेटा हैवी है और इस टाइम पे नंबर डेटा पे हमें ज़्यादा नहीं जाना है बिकॉज इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। हमें ये पता होना चाहिए कोविड 19 के कारण ग्रोथ इम्पैक्ट हुई है, फिजिकल कंसोलिडेशन ज़रूरी है, आमदनी कम हो गई, खर्चे ज़्यादा हो गए, तो इसमें हम कैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करें सारे सेक्टर्स को, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, और एट द सेम टाइम जो फिजिकल हेल्थ है कंट्री का उसको भी कैसे कंसोलिडेट करें, दिस वी शुड नो। अब प्राइमरली यहाँ पे यही लिखा है जीडीपी ग्रोथ इतना एक्सपेक्टेड है, ये हम हर महीने डिफरेंट एजेंसीज का देख लेते हैं, जीरो यूटिलिटी होती है इसकी बिकॉज ये चीज़ बड़ी वोलेटाइल है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने जैसे ये डेटा निकाला, IMF ने निकाला, ओके दीज आर डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, OECD बोल रहा है इतना होगा, ओके फिर ये जो है इसमें सब कंडीशंस अप्लाइड है, कंडीशंस अप्लाइड है जैसे ओमिक्रॉन का थ्रेट क्या होगा, आगे और भी दूसरे वेरिएशंस तो नहीं आ जाएंगे, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में अभी क्या चल रहा है, लाइक यूक्रेन क्राइसिस अगर एग्जैजरेट अग्रेसिव हो गया रशिया वहाँ पे और चीज़ें एस्केलेट हो गई, देन अगेन देर विल बी प्रॉब्लम, यहाँ यमन क्राइसिस अलग चल रहा है। सो द पॉइंट इज इफ्स एंड बट्स है, इसमें हमें इतना नहीं जाना चाहिए। आइडिया इज़ कि जो वेलफेयर है और जो ग्रोथ के जो पिलर्स हैं फंडामेंटल्स हैं वी शुड वर्क ऑन दैट। अब इसी से रिलेटेड अभी सवाल आया था 2021 का सवाल है GS3 का, वॉट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, बिकॉज यू नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड सिक्योरिटी। माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस था तब आई टोल्ड यू एवरी डे कि ये जो जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, अन्न योजना फूड या फिर NFSA, इससे सवाल आएगा। इफ यू आर रेगुलर, जब भी ये टॉपिक आया था मैंने बताया था ये देखना सवाल पूछा जाएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003। अब देखिए कितना सिंपल सवाल आया, ऑफिशियल क्वेश्चन है 2021 का, सेलियंट फीचर्स क्या है इन NFSA 2013, और हमने ऐसे ही प्रिपेयर भी किया था, राइट अ नोट ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, वो प्रश्न कितना इससे लिंक्ड है। सेकंड, फूड सिक्योरिटी बिल से कैसे हेल्प होगा हंगर और माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, ये जब भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी आई टोल्ड यू कि दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड सी सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया। सो दैट इज़ वाई बी रेगुलर, राइट समथिंग, कंसोलिडेट होगा यहाँ पे तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे। रैंडमली बस दिन भर ऐसे वीडियोस देखते रहते हैं ना तो ये चीज़ें हवा में होती है, जब तक हम उसको लिख के कंसोलिडेट नहीं करते हैं वो चीज़ कंसोलिडेट नहीं होती है, तो कंसोलिडेशन यहाँ पे ज़रूरी है। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और शुरुआत में हमने बात किया था सुभाष चंद्र बोस जी का, आप बहुत महत्वपूर्ण आपका कार्य रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, तो प्रिपेयर अ नोट ऑन द लाइफ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, हाईलाइट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अगेन बहुत हाई यील्डिंग है। अब इससे रिलेटेड क्या होगा, डायरेक्ट सवाल नहीं भी आए तो इनकी लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट इवेंट पे सवाल आ जाएगा, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से रिलेटेड आ जाएगा, जैसे कि आपने जो आज़ाद हिंद फौज में क्या काम किया, किस सेशन पे आपने दिस जो था रेजिग्नेशन दिया, क्यों दिया, समथिंग लाइक दैट, तो ऐसी चीज़ें आती है।
वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड कोई इवेंट आ जाएगा. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस. दिस इज अगेन वेरी हाइल्डिंग. दीज आर टू क्वेश्चंस फॉर टुडे. दिस इज पॉलिटिकल. और अब जैसे यहाँ पर है, एजुकेशन की इमरजेंसी है. जितना लॉसेज हुआ है ना एजुकेशन का, मतलब अनपैरेलल लॉसेज हुए हैं एजुकेशन के. घर में हर किसी के घर में पढ़ाई का माहौल भी नहीं होता. माहौल नहीं होता तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, शोर हो रहा है, डिस्टर्बेंसेज है, तो वो जो स्कूल वाला लर्निंग है ना वो यहाँ पूरी तरह क्रिपल हो गया है. और ये लर्निंग आउटकम में भी देखने को मिल रहा है. इट इज़ एस्टॉनिशिंग दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर डेटा ऑन द एजुकेशन सेक्टर आर नॉट ईजिली अवेलेबल. अब प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा है वो नहीं है. डेटा नहीं है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होगा. प्लस एक और प्रॉब्लम आती है यहाँ पे बजट की. फंड्स हमारे हम प्रॉपर अलोकेट नहीं करते. हम हर फैंसी चीज़ें में पैसा खर्च करेंगे, बट जब बात आती है एजुकेशन की, जो हमारा पूरा लाइफ करियर डिसाइड करने वाला है, हम वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने लग जाते हैं. दिस इज़ अगेन नॉट राइट. तो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एक्चुअली बेस्ट रिटर्न देता है लाइफ का. देन दिस इज ओपेसिटी ऑफ डेटा. सो दिस इज बजटिंग फॉर द एजुकेशन इमरजेंसी. देन वैक्सीनेशन पेस ड्रॉप्स स्लाइटली. एवरेज डेली डोज शेयर स्टेट ऑफ प्ले गुड. देन नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट एंड एपिग्राफिस्ट नागा स्वामी जी पासेज अवे एट 92. आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें, एपिग्राफिस्ट का मतलब आप बताओ. एपिग्राफिस्ट नागा स्वामी जी पासेज अवे एट 92. आप इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोटेक्टिंग सेवरल मॉन्यूमेंट्स. देन दिस इज नेक्स्ट पेज. 18% इंक्रीज केसेस में हुआ है. डेडलाइन ऑक्सीजन कंटेनर. गुजरात का डीप सी पाइपलाइन स्कीम रिमेन्स नॉन स्टार्टर. अब अगेन प्रॉब्लम क्या होता है, शहर का पूरा जो नाले का कचरा होता है वो सीधा जाके रिवर्स में मिल जाता है. पाइपलाइंस, डीप सी पाइपलाइंस, तो इनोवेटिव सॉल्यूशन है. पेरेनियल प्रॉब्लम जो होती है रिवर का, तो गवर्नमेंट ऐसे डीप सी पाइपलाइन बनाने का बात कर रही है, बट ये आगे कुछ प्रोग्रेस इसमें हुआ नहीं. तो दिस इज देयर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं. थर्ड डोज ऑफ वैक्सीनेशन. वैक्सीन मस्ट फॉर ब्रेकिंग ट्रांसमिशन. देन मॉस्को में इंस्टॉल प्रॉक्सीज इन कीव. कीव क्या है, यूक्रेन का कैपिटल, यूकेने का. तो ऑब्वियसली जो रशिया है वो यूक्रेन को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखना चाहेगा. ब्रिटेन बोल रहा है कि क्रेमलिन मतलब रशिया, ट्राइंग टू इंस्टॉल प्रो रशियन पॉलिटिशियन इन यूक्रेन. दिस इज अ वेरी कॉमन टैक्टिक. इवन जो यूके और यूएसए है वो भी ऐसा ही काम करते हैं. दिस फ्रेंडली गवर्नमेंट को वहाँ पे रखना. अक्सर जो गवर्नमेंट टॉपल्स हो जाती है इसमें बहुत हद तक दिस रशियन एंड यूके गवर्नमेंट्स का भी हाथ रहा है इन द पास्ट. तो कीपिंग गार्ड, अब यही चीज़ हो रही है यूक्रेन कीव में. लेट अस सी. हमारे यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट कुछ ऐसा स्टेक है नहीं, बट वी जस्ट वॉन्ट की लॉ, पीस एंड ऑर्डर यहाँ पे बना होना चाहिए. देन दिस इज बीजिंग 2 मिलियन टेस्ट करेगा बिकॉज विंटर ओलंपिक्स हैं. देन कोविड, यूरोप कुड बी हेडेड फॉर एंड गेम. देन म्यूचुअल फंड्स SIPs हैं. और दिस इज स्पोर्ट्स, कल फिर हार गए हम. देन दिस इज ऑस्ट्रेलियन ओपन. और ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है. रिसीडिंग आर वैल्यू मतलब एक पर्सन और कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये कम हो रहा है. दिस इज गुड. कॉस्ट ओवरटर्न है. देन कैंसल्ड ट्रेन्स हैं. वेटेस्ट जनवरी है. प्रिजन एयर स्ट्राइक है. देन दिस इज़ अ प्रोपोजल फॉर इंडियन एनवायरमेंटल सर्विसेज. तो जैसे IAS होता है, IFS होता है, ऐसे एक नया प्रपोजल है क्यों ना इंडियन एनवायरमेंट सर्विसेज बनाए. बिकॉज ये जो एनवायरमेंट है ये एक मेजर फैक्टर बन गया है हमारी पूरी लाइफ, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करने का. और एनवायरमेंट को हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. जैसे ये क्या है, स्मोक गन्स हैं लाइक दैट. तो यहाँ पे बात है TSR सुब्रमण्यम रिपोर्ट का. TSR सुब्रमण्यम रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि एक IES बने. दिस इज़ नॉट इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, दिस इज़ इंडियन एनवायरमेंटल सर्विसेज. ये सर्विस बनाने की बात है. MOEFCC इसको रिव्यू कर रहा है. तो द पॉइंट इज़ कि ग्रीन लॉज हो, एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, जो डेवलपमेंट है वो इम्पैक्ट नहीं करे हमारे दिस एनवायरनमेंट को. जैसे चार धाम यात्रा देखा था, या फिर वेस्टर्न घाट में डेवलपमेंट की बात आती है. सो दीज आर द थिंग्स. तो इस रिपोर्ट ने प्रपोज किया एनवायरनमेंट लॉ मैनेजमेंट हो, एक NEMA नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी बने, स्टेट में बने, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, मतलब एक डेडिकेटेड फोर्स हो, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट सर्विसेज हो जो एनवायरनमेंट रिलेटेड सारे मैटर को डील करेगी सिंगल हैंडेडली. फास्ट ट्रैक होगा. लीनियर प्रोजेक्ट्स होते हैं. लीनियर मतलब लाइन, जैसे रेलवे ट्रैक, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह पूरा देखेगा. नेशनल इम्पोर्टेंस, बिकॉज यू नो एनवायरनमेंट के बिहाफ में हम
सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। चारधाम यात्रा का जो है रोड चौड़ा करना, उधर डैमेज होगा एनवायरनमेंट का, बट चाइना का थ्रेट बना हुआ है, बॉर्डर इंफ्रा हमें अपग्रेड करना है, तो वो अप्रूवल मिल गया। सो द पॉइंट इज़ वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस, और इसमें टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइजेशन हो जब एनवायरनमेंट का मैटर हो। ये नहीं कि हम जस्ट लाइक दैट क्लियरेंस मिल रहा है, वो पूरा बैक्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल होना चाहिए, EIA एंड ऑल गुड। देन रिपोर्ट्स ने एनवायरनमेंट लॉ मैनेजमेंट की बात किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गुड। द नीड फॉर शेयर्ड पेरेंटिंग, अक्सर क्या होता है पेरेंट्स में नहीं बन रहा है तो उसका कॉस्ट कौन पे करता है, दिस बच्चा। सो द नीड फॉर शेयर्ड पेरेंटिंग, कस्टडी के लॉज जो हैं वो ऐसे होना चाहिए कि चाइल्ड का फ्यूचर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो ये जो स्टोरी आगे बढ़ रहा है कि कोर्ट जस्टिस इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लॉ, अभी के जो लॉ है लेस देन 5 है बच्चा, देन जो उसका पेरेंटिंग है गोज टू दिस मदर, देन इसमें फादर का क्या से होना चाहिए, कस्टोडियन से रिलेटेड, ये सारी यहाँ पे बातें हैं। अगेन ये चीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमने देखा बहुत सारे जो सेकेंड वेव में स्पेशली चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा ऑर्फन भी हो गए, तो उस टाइम पे चिल्ड्रन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कस्टोडी से रिलेटेड बात करना, उनका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह नहीं होने देना, इन सब में प्रॉपर डिबेट एंड लॉज जो हैं स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है। देन रीनिंग इन द पावर ऑफ टेक जाइंट्स, अब दिस इज ऑल्सो वन थिंग, टेक जाइंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इतनी ज़्यादा मोनोपोली एंड पावर आ गया इनके पास कि इधर रेगुलेशन होना ज़रूरी है, वरना क्या होता है कोई नया जो है वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा बिकॉज उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाएगा। तो अगेन एस्पेशली जो यूरोप है वहाँ पर इस टेक जाइंट्स जो एस्पेशली US कंपनी ज़्यादा है, जैसे फेसबुक हुआ, एप्पल, अल्फ़ाबेट, गूगल वगैरह, एक प्रॉपर रेगुलेशन ज़रूरी है ताकि इनकी अनफेयर जो प्रैक्टिसेस होती है उसको चेक किया जा सके। बिग टेक अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होती है, एक तो इनके पास मनी है, इनके पास डेटा है, इनके पास थिंक टैंक है, टीम है, आर्म, इनकी पूरी एक डेडिकेटेड थिंक टैंक्स होते हैं इनके पास, तो दे आर लाइक टू मच ऑफ पावर कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू कंपनीज, टेक कंपनीज, तो इस मोनोपोली के लिए वर्ल्ड में थोड़े अभी एप्रीहेंशंस चल रहे हैं, तो दिस इज़ देयर। सिमिलर चीज़ इंडिया में भी बात हुआ था, जब बात आती है टेक जो जायंट्स हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, अगर ये एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडिया कोई एक्टिविटी में इंडल्ज हैं तो इनको रेगुलेट कैसे किया जाए। डेटा प्राइवेसी इज ऑल्सो वन थिंग। अमर जवान ज्योति जो है वो मर्ज हुआ है नेशनल वॉर मेमोरियल पे, तो उससे रिलेटेड ये एक क्विज है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट है वो है दिस, नो हाइपरबली टॉक हियर। हाइपरबली क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलना, बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करना। अ ग्रैस्प ऑफ द लैंग्वेज इज इनवैल्यूएबल, तो यहाँ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जैसे वैल्यूएबल वो होता है जो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, लाइक वैल्यूएबल कोई बुक है बहुत कीमती है, वैल्यूएबल लाइक कोई ऑर्नामेंट है वैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल वो होता है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, मतलब दैट इज़ बियॉन्ड दिस वैल्यूएशन, दैट इज़ इनवैल्यूएबल टू यू, तो दैट इज़ इनवैल्यूएबल। अक्सर क्या होता है इन लग जाता है तो ऑपोजिट हो जाता है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। वैल्यूएबल मतलब कीमती, और इनवैल्यूएबल मतलब उसकी कीमत नापी ही नहीं जा सकती है, दैट मच उसका वर्थ है। तो वैल्यूएबल मतलब होता है लॉट ऑफ मनी, और इनवैल्यूएबल मतलब होता है जिससे मनी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। यूजुअली इन लगाने पे ऑपोजिट होता है, बट दिस इज़ नॉट द केस ओवर हियर। कंप्लीट का जैसे इनकम्प्लीट है ना, तो यहाँ ऐसा नहीं है। एडवाइजेबल इनएडवाइजेबल नहीं, वैल्यूएबल इनवैल्यूएबल में वो चीज़ और वैल्यूएबल हो जाती है। देन जो नेक्स्ट है वो है हाइपरबली। हाइपरबली इसमें क्या होता है कि जैसे आपने, एक तो इसका प्रोनंसिएशन थोड़ा वियर्ड है, इंग्लिश में ज़्यादातर दिस प्रोनंसिएशन एंड ऑल वियर्ड ही होते हैं, बिकॉज पता है हम एक्चुअली जो इंडियंस होते हैं ना, हमको हम बोल बोल के पढ़ के इंग्लिश सीखते हैं, मोस्ट ऑफ अस लाइक हमने किताब पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो हमने न्यूज़पेपर में जैसा पढ़ा हम वैसे ही उसको प्रोनंस करने लग जाते हैं, बिकॉज हमारी जो इंग्लिश सीखी है हमने वो पढ़ के सीखी है, तो दैट इज़ वाई प्रोनंसिएशन का इंडियंस में अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है। ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना है, हमारे जो एग्ज़ाम कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो नॉर्मल है वो भी चलेगा, इंडियन एक्सेंट वगैरह से भी ऐसा कुछ सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना है, बट द पॉइंट इज़ वी शुड बी नोइंग, हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज दिस इज लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जैसे ये हाइपरबली ऐसे प्रोनंसिएशन दिया हुआ है, दिस इज दिस, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जैजरेट करके बातें बताना, जैसे कि अतिशयोक्ति अलंकार होता है हिंदी में, अतिशयोक्ति अलंकार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, कैसे
उतरे घोड़ा उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार. तो दिस इज अतिशयोक्ति काइंड ऑफ थिंग. हनुमान की पूंछ पे लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर बाग. दिस इज अगेन एग्जैजरेशन काइंड ऑफ थिंग. सो दिस इज देयर. तो दिस इज दिस. अब जैसे जर्नलिस्ट वगैरह है, टीचर्स वगैरह, ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए. फेयर एंड ऑब्जेक्टिव जो है, चीज़ें जैसी है वैसे ही उनको बताना चाहिए. तो दिस इज दिस टेंडेंसी. ओके, अब जैसे सम पीपल यूज अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, डेटा. द डेटा और द डेटा आर. तो बताओ, सिंगुलर वर्ब इज यूज मच मोर फ्रिक्वेंटली देन द प्लूरल. तो द डेटा इज, डेटा प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इंग्लिश की जो हमें पता होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द टू क्वेश्चंस फॉर टुडे. राइट इट डाउन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.